नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे वेदांता स्टॉक के बारे में। वेदांता स्टॉक के टेक्निकल ट्रेंड को समझें उससे पहले मैं आज एक ये डिस्कशन दिखाऊंगा कि लॉन्ग टर्म में कैसे वेल्थ क्रिएट होता है, कैसे वेदांता में 500 का इन्वेस्टमेंट जो है 4 करोड़ के ऊपर निकल गया है, और वो भी बहुत नहीं, लगभग 23 साल के ड्यूरेशन में ही। तो एपिसोड में आगे बढ़ें इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन करें, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करेंगे। पास्ट 1 मंथ में स्टॉक लगभग 12% की रिटर्न दी हुई है। यहां देखेंगे वेदांता लिमिटेड केस स्टडी, हाउ अ 500 इन्वेस्टमेंट इन 2001 ग्रीव टू 4.39 करोड़ बाई 2024 थ्रू डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। यानी 500 का इन्होंने निवेश करा और जो भी डिविडेंड मिलते गए उसको भी री इन्वेस्ट करते गए, और ऐसे में 500 को इन्होंने 4.4 करोड़ के आसपास का बना लिया। यहाँ देखेंगे वेदांता प्रोमिनेंट इंडियन माइनिंग कंपनी शोकेस द पावर ऑफ डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, 500 इन्वेस्टमेंट इन 2001 कंसिस्टेंटली री इन्वेस्टेड वुड ग्रो टू एन आउटस्टैंडिंग 4.39 करोड़ बाई 2024। दिस हाईलाइट द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग रिटर्न एंड री इन्वेस्टमेंट डिविडेंड टू गेन 87,91,992.84% रिटर्न फॉर वेल्थ क्रिएशन। और इसी को लेकर के ये देखेंगे कि एडिटोरियल जो है देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसके मर्जर को लेकर के ही एक खबर हमने देखा, मर्जर को लेकर के SBI बैंक जो है कंसेंट ग्रांट करते दिखा। टेक्निकली भी एक बड़ा ब्रेकआउट रहा, हालांकि मेटल सेक्टर भी आउट परफॉर्म ही करते दिख रहा है, और लास्ट वॉल्यूम वाज अराउंड 1.12 करोड़। यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो एक तो जो एक्सपेक्टेड सपोर्ट था यहाँ से रिवर्स लिया और प्रीवियस वीक के ऊपर की क्लोजिंग है, तो ये एक पॉजिटिव दिखी। अगर डेली टाइम फ्रेम पर भी देखें तो मुझे लगता है कि वीकनेस या निगेटिव इसमें 440 के नीचे ही होगा। अगर यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करके यहाँ ब्रेकआउट करें तो फिर ये स्टॉक 500, 660 और हो सकता है कि 1000 जैसे लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकता है।